जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमंत और आप देख रहे हैं द टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूट्यूब की तरफ से चार नया गजब की अपडेट आ चुका है और आज मैं आपको पूरा डिटेल्स आसान भाषा में समझने वाला हूँ कि चार अपडेट क्या आए हैं और इसमें आपको फायदा क्या हो सकता है। जस्ट आप वीडियो पे बने रहे और इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पे प्रेस करके रखिए। जैसे कि आप जानती हो कि यूट्यूब हमेशा के लिए कुछ न कुछ अपडेट लाता रहता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले यूट्यूब डिसलाइक बटन को लेकर एक अपडेट लाई थी और उसमें डिसलाइक बटन को सीधा हाइड कर दिया। तो इस तरह यूट्यूब ने कुछ हमेशा के लिए अपडेट लाता रहता है और अभी भी यूट्यूब ने चार अपडेट लाए हैं, गजब की अपडेट। तो चलिए बताते हैं एक एक करके, आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि चार अपडेट क्या आए हैं और इसमें आपको फायदा क्या है। जो चार अपडेट यूट्यूब की तरफ से आए हैं और उसमें जो फर्स्ट अपडेट है वो है कि आपको चैनल मेंबरशिप को लेकर, जिन्होंने चैनल मेंबरशिप लेके रखे हैं कोई बड़े चैनल का, तो पहले क्या होता था सिर्फ क्रिएटर ही देख सकता है जिनका चैनल पर आपने मेंबरशिप लेके रखा, सिर्फ उन्होंने ही देख सकते हैं कि आप मेंबरशिप लेके रखे हैं। तो अभी ये पब्लिसिटी हो जाएगा कि सब व्यूअर्स देख सकता कि उनके चैनल पर कितना मेंबरशिप है और कौन कौन मेंबरशिप लेके रखे हैं। तो इसमें आपको फायदा है, अगर आपने कोई बड़े चैनल का मेंबरशिप लेके रखे हैं तो आपका चैनल भी हर व्यूअर्स के पास शो किया जाएगा। इन्होंने हर व्यूअर्स देख सकते हैं कि इनके चैनल पर इन्होंने मेंबरशिप लेके रखे हैं, तो आपका चैनल भी ग्रो कर सकता है। तो इसमें आपका ही फायदा है। तो ये तो फर्स्ट अपडेट, और जो सेकंड अपडेट है वो है कमेंट सेक्शन का लेकर। पहले क्या होता था, कमेंट्स करने के लिए YouTube का खुद का एक कम्युनिटी गाइडलाइन रूल्स था, उसी रूल्स को मान के आपको कमेंट करना पड़ता था। अगर कोई ऐसा रूल्स वायलेट करते हैं आपका कमेंट, तो कमेंट्स आपको पूरा रिमूव किया जा सकता था पहले। तो अभी क्या होगा, आप खुद आपके चैनल के लिए एक कम्युनिटी गाइडलाइन रूल्स बना सकते हैं। तीन रूल्स आप बना सकते हैं, आप इस साइड में देख सकते हैं, तीन रूल्स आप बना सकते हैं आपके चैनल के लिए, ताकि उसी रूल्स कोई वायलेट करे तो उनका कमेंट सीधा डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद आपके चैनल के लिए कम्युनिटी रूल्स आप बना सकते हैं, थ्री रूल्स आप बना सकते हैं। तो ये था सेकंड अपडेट, और जो थर्ड अपडेट है वो है YT स्टूडियो मोबाइल एप्लीकेशन का एनालिटिक्स ऑप्शन के लेकर। तो पहले आपका वीडियो परफॉर्मेंस का जो एनालिटिक्स होते हैं कुछ इस तरह आपको शो करता था, तो अभी आपको इस तरह शो किया जाएगा, इसको इम्प्रूव कर दिया और इसको इस तरह आपको शो किया जाएगा, तो ये काफी अच्छा लगता है। तो ये था थर्ड अपडेट, और जो फोर्थ अपडेट है वो है कॉपीराइट स्ट्राइक के लेकर। तो पहले क्या होता था, कोई किसी ने आपका वीडियो कॉपी करके उनका चैनल पर अपलोड कर देते थे पहले, तो आप खुद उनके लिए एक कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते थे। तो अभी क्या होगा, एक ऑप्शन आपको ऐड किया जाएगा और उनमें से आपको चाहे तो आप उनको एक हफ्ते के लिए वार्निंग दे सकते हैं कि आप चैनल पर जो वीडियो अपलोड की है मेरा वीडियो आप डिलीट कर दो, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें आप टिक लगा देंगे तो उनका जो आपका जो वीडियो है कोई किसने कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करने जाएगा अपलोड करने जाएगा तो सीधा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो ये था फोर्थ अपडेट, तो ये फोर्थ अपडेट की गजब का अपडेट है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चार अपडेट है आपको बिल्कुल समझ में आ गई, मैं आपको आसान भाषा में समझाया। और इस तरह लेटेस्ट वीडियो फिर आगे तक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।